उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने तीन तलाक बिल का विरोध करने वालों पर हमला बोला है। उनका कहना है कि तीन तलाक बिल को विपक्ष के लोग राजनीतिक चश्मे से न देखें। उन्होंने कहा कि तीन तलाक बिल महिलाओं की ताकत बनेगा। कैबिनेट मंत्री ने उत्तर प्रदेश के लोगों से जल संरक्षण की मुहिम में शामिल होने की अपील भी की है। शाहजहांपुर में राजकीय इंटर कॉलेज के भूमि पूजन में नारियल फोड़ने के दौरान सुरेश कुमार खन्ना का हाथ जख्मी हो गया। दरअसल सुरेश कुमार खन्ना ने यहां के निगोही ब्लॉक के टिकरी गांव में राजकीय इंटर कॉलेज का शिलान्यास किया। साथ ही 108 सेवा की 12 एम्बुलेंस की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। राजकीय इंटर कॉलेज के भूमि पूजन के दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने नारियल फोड़ा। नारियल फोड़ने के दौरान उनका हाथ जख्मी हो गया। सुरेश कुमार खन्ना का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने की हर संभव कोशिश कर रही है। विद्यालय की बात है, मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि इस विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने एक इंटर कॉलेज यहाँ पर दिया, और टिकरी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसके लिए जो इंटर कॉलेज दिया है मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ 12 एम्बुलेंसेज भी शाहजहांपुर के जो एम्बुलेंसेज के का जो अभी तक बेड़ा था उसमें और जोड़ी गई, ये कुल मिलाकर मरीजों को लाभ पहुंचाएंगी। साथ ही साथ 4,419 गोल्डन कार्ड बने हैं, ये प्रक्रिया जारी रहेगी और इन लोगों को 5,00,000 रुपये तक का इलाज निःशुल्क मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी योजना है, इसमें 60% हिस्सा भारत सरकार का है, 40% हिस्सा हमारी सरकार का। इस दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में सबसे बड़े गोमती सफाई अभियान को दूसरे जिलों में एक मुहिम के तौर पर ले जाने की बात भी कही। उनका कहना है कि हर जिले के प्रभारी मंत्री नदियों और तालाबों में जल संरक्षण के लिए लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमने जल संरक्षण को विशेष रूप से महत्व देने के लिए जन जागरूकता अभियान का प्रारंभ किया। पानी हमारे लिए नीति आयोग का और राष्ट्रीय जल आयोग का भी एक तरीके से हमको आगाह किया है कि 2030 के बाद पीने के पानी का संकट होगा। 91 देश के 91 जलाशयों में से केवल 20% पानी रह गया है, तो हमें वाटर रिचार्ज करने के अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। इसलिए हर स्तर पर इस अभियान को चलाया जाना चाहिए। हमारे जितने पौंड हैं, जितने तालाब हैं, वर्षा का पानी संचित किया जाए, उसको उसका संरक्षण हो और उसको तालाबों को भरा जाए ताकि हम वाटर स्टेटा रिचार्ज कर सकें, जमीन वाला जल जो है जल स्तर को ऊपर उठा सकें, इसकी महती आवश्यकता है। तीन तलाक बिल पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी तीन तलाक बिल को राजनीतिक चश्मे से न देखें। उनका कहना है कि तीन तलाक बिल अगर पास हो जाता है तो यह महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत बनेगी, जिससे महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को रोका जा सकेगा। तीन तलाक का बिल पेश हुआ है, कितनी ताकत मिलेगी मुस्लिम महिलाओं को इस बिल के पास होने के बाद? देखिए, उसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं के संग जाति न हो, उसका उद्देश्य यह है, और उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। समाज के किसी वर्ग के प्रति अगर अन्याय हो रहा हो और दिखाई पड़े कि अन्याय हो रहा है, तो सरकार ने उसका संज्ञान लिया और उसका उपचार कर रहा है। थैंक यू। इस दौरान सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वह जल संरक्षण में अपना सहयोग करें, क्योंकि जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। आने वाले समय में हमें पानी के लिए जूझना पड़ सकता है। जब जल संरक्षण की बात है तो आज शाहजहांपुर में सबसे बड़ा अभियान चलाया गया, 72 किलोमीटर गोमती नदी की सफाई का अभियान शुरू हुआ है, लेकिन जरूरत यह भी कि जहां जहां से गोमती गुजरती है वहां पर भी सफाई हो, तभी मकसद पूरा होता है। बिल्कुल ठीक बात है, और लगातार इसमें जन जागरूकता की आवश्यकता है। लोग महसूस करें कि गंगा हमारे लिए आदरणीय है, पूज्य है, हम उसकी पूजा करते हैं, और हमारे लिए हिंदू संस्कृति के लिए ख़ास तौर से एक हमारी संस्कृति में उसका बहुत बड़ा स्थान है, और उसी भावना से उसको लेना चाहिए और इस अभियान को भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो बाकी जिलों में क्या निर्देशित करेंगे? बराबर हर जिले में, आज हर जिले जितने भी हमारे प्रभारी मंत्री हैं, सब ने अपने अपने जिले में जाकर इस अभियान को आगे बढ़ाया।